गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ क्रमांक 5। क्या तुम जानते हो? पाठ का मुख्य भाव यह है कि छात्रों को सामान्य ज्ञान के बारे में सचेत करना। आधुनिक युग में हमें भी अगर संसार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो हमें हमारी प्रकृति, संसार के प्रत्येक कोने के लोगों का जीवन, सौरमंडल और अपने देश की विस्तृत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चलिए, पहला प्रश्न। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो क्या बच्चों, तुम्हें पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन से शहर में है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, क्योंकि अलग अलग जगहों से, गांवों से लोग मुंबई आते हैं रोज़गार की तलाश में। दूसरा प्रश्न, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। जब हम हाथी और ऊंट को देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा जीव है, लेकिन ब्लू व्हेल, इसकी लंबाई 110 फीट तक होती है और इसका वज़न 1,80,000 किलोग्राम तक हो सकता है। उसके शरीर में 7,000 किलोग्राम तक रक्त होता है। जब यह जीव महासागरों में घूमता है तो बड़े बड़े पनडुब्बी जहाज़ इसको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। शायद तुम आश्चर्य कर रहे हो कि इतना बड़ा जीव, हाँ, ये धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। समुद्र में तरह तरह की बड़ी मछलियाँ रहती हैं, लेकिन ब्लू व्हेल उन सबसे विशाल है। अपनी स्लिम लंबाई के कारण यह काफ़ी सुंदर भी लगती है। ये भी दिलचस्प है कि नर ब्लू व्हेल मादा से थोड़ा छोटा होता है। पांचवा प्रश्न, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह यानी वीनस को भोर का तारा कहते हैं। छठा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में माना जाता है। मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय के लिए 82.30 पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। सातवां प्रश्न, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बच्चों, भूभाग की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। आठवां प्रश्न, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी हम कह सकते हैं कि 3 साल का समय लगा। नवा प्रश्न, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बच्चों, पहले भारत में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, मगर अब वर्तमान में राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अब लद्दाख के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों के नाम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दसवां प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली है। भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। यह सड़क 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ओम लिंगला टॉप से होकर गुजरती है। BRO की हिमांक परियोजना के तहत यह कामयाबी हासिल की गई। यह लेह से 230 किलोमीटर दूर हानले के पास स्थित है। चिसुमले और देमचक गांवों को जोड़ने वाली 86 किलोमीटर लंबी सड़क रणनीतिक महत्व की है। ये गांवों के पूर्वी क्षेत्र में भारत चीन सीमा से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह था पाठ का अ भाग। ब भाग में पहेलियाँ दी गई हैं, तो चलो देखते हैं पहेलियाँ। जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता इधर उधर फुदक फुदक। बताओ बच्चों, बताओ बताओ, कौन है वो? वो है मेंढक। मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। बताओ बच्चों, कौन है वो? बताओ बताओ, वो है वृक्ष। अर्धचक्र और संतरंगी नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। तो बताओ बच्चों, कौन है वो अर्धचक्र? वो है इंद्रधनुष। आशा करती हूँ इस पाठ को पढ़ने में और समझने में आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।